हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आज की वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो, आपकी काफ़ी यूजफुल वीडियो है। बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे आता है, हम लोग की धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या बोर्ड एग्जाम बहुत ही अलग चीज़ होता है क्या, या कि नॉर्मल एग्जाम ही बोर्ड एग्जाम के जैसा होता है? आप इस चीज़ को ऐसे कंपेयर कर सकते हो, आप वर्ल्ड कप के बारे में देख सकते हो कि इंडिया ने क्या किया। जितने भी वर्ल्ड कप के मैच थे, हर एक मैच जीत गए, लेकिन फाइनल मैच हार गए। आखिर क्यों? क्योंकि उसने एक चीज़ नहीं किया जो हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। फाइनल में जाके इंडिया हार गई, वो सबसे बड़ी पॉइंट क्या था, स्ट्रेस। मतलब फाइनल, जो फाइनल वर्ल्ड कप था, उसी ऑस्ट्रेलिया टीम को इंडिया टीम ने पहले हरा दिया था, लेकिन फाइनल में उससे हार गई। सिर्फ ये था कि पब्लिक का इंडिया टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, और उसका प्रेशर उनको, वो लोग ने नहीं झेल पाया। मतलब उसका जो स्ट्रेस था, उसको वो लोग ने नहीं झेल पाया, और फाइनली क्या हो गया, इंडिया टीम हार गई। वो खिलाड़ी जो एक से कोहली हो गया, ठीक है, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले, उस दिन वो खिलाड़ी नहीं खेल पाए। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था? यही रीज़न था कि उन्होंने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए अपने। मतलब इतना प्रेशर हो गया कि इतनी 3-4 लाख पब्लिक है, पूरे इंडिया भर का भरोसा था कि इंडिया क्रिकेट जीतेगी, वर्ल्ड कप जीतेगी, और वो चीज ने उनके माइंड में क्या कर दिया, स्ट्रेस बना दिया। उनको लगा कि आज हम लोग अच्छा नहीं खेलेंगे तो हम लोग को क्या होगा, ठीक है, लोग इतने लोग देखने आए, और इस चक्कर में ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए कि वो अच्छा नहीं खेल पाए। और यही गलती स्टूडेंट भी करते हैं। पहले जो भी कॉलेज का एग्जाम होता है, जो यूनिट टेस्ट होता है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में या तो फेल हो जाते हैं या मार्क्स कम आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। जैसे इंडिया टीम ने गलती किया, वो गलती आपको नहीं करना है। बोलोगे सर स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, तो इंडिया टीम से बड़ा हम लोग के पास थोड़ा ना कोई मेंटर है जो बता देगा स्ट्रेस हम लोग मैनेज कर लेंगे। बात आपकी सही है, लेकिन यदि स्ट्रेस मैनेज करना, मतलब आप एक दिन स्ट्रेस मैनेज करने जाओगे तो एक दिन में कोई भी स्ट्रेस आपका मैनेज नहीं होने वाला। स्ट्रेस मतलब आपका जो तनाव होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पेपर देना बैठना और घर पे पेपर देना बैठना, कॉलेज के अंदर पेपर देना बैठना, तीनों अलग अलग सिचुएशन है। बोर्ड एग्जाम में मोस्टली स्टूडेंट के मार्क्स इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस में चीजें भूल जाते हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम के प्रेशर में उनको चीजें याद ही नहीं आती है। तो कैसे आपको स्ट्रेस को कैसे कम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले से आपको प्रिपरेशन, अपने माइंड को क्या करना चाहिए, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। वो कैसे माइंड को ट्रेन कर सकते हो, आपको 3 घंटे बोर्ड के पेपर जैसे बोर्ड के सिचुएशन में दिया जाता है, वैसे ही बैठ के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक पेपर नहीं, 2 पेपर नहीं, 3 पेपर नहीं, कम से कम 10 पेपर 3 घंटे ऐसे बैठ के दो जैसे आप मान के चलो कि बोर्ड में बैठे हो। ये चीजें आपको क्या करेंगी, स्ट्रेस से बाहर आने में हेल्प करेगी। आपको एग्जाम हॉल के अंदर बैठने के बाद आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हो। आपको ऐसा फील आना चाहिए कि आप जैसा नॉर्मल एग्जाम देते हो, वैसे ही एग्जाम में आप बैठे हो। जिस दिन आप इस चीज को मैनेज करना सीख लिए, उस दिन यदि आपने 40% भी पढ़ा ना, तो भी 60% का लिख कर आओगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो आप 100% पढ़ के जाओगे, फिर भी आप 40-50% का ही लिख कर आओगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप भूल जाओगे और आपको स्ट्रेस आपको क्या करेगा, न लिखने देगा, न नए नए क्वेश्चन आपको समझने देगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से। अभी से स्टूडेंट एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना चालू करना पड़ेगा। ट्रेन करना पड़ेगा आपकी कैसे आपको एग्जाम में बैठना है। बोर्ड एग्जाम कुछ अलग चीज नहीं होता, आपके कॉलेज के एग्जाम के जैसा एग्जाम होता है। जैसे ये चीजें आप अपने माइंड को समझा दोगे, चीजें सिंपल हो जाएंगी एकदम। और ये कैसे समझा सकते हो, उसके लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अभी वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, चीजों को पढ़कर लिखने की प्रैक्टिस करने पड़ेगी। यदि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, डेली बुक उठा के पढ़ रहे हो, तो फिर हो सकता है कि आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। पढ़ो लिखो, एक पेज आपने पढ़ा है, एक पेज को लिखो, याद नहीं हो रहा है, याद होने लगेगा। आपने पढ़ा तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर 3-3 घंटे के पेपर आपको कंटिन्यू सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना चाहिए।
यदि आप ये चीज कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको इस चीज के ऊपर बहुत ही जल्दी से फोकस करना पड़ेगा और जो मैंने पॉइंट को बताया इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत सारे ट्रिक बताने वाला हूं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।